हमारे बीच में कांता अलाड़िया जी हैं जो कि समाज सेवी हैं, बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं, जनता को जगाने का काम कर रही हैं। आज ये अभी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर यहाँ बैठी हुई हैं। आज हम इनसे जानकारी लेते हैं क्यों बैठी हैं, क्यों बिठाए गए हैं। कांता अलाड़िया जी, आपका असेंबली में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। मतलब आप यहाँ आने का क्या मकसद है, आपको क्यों बिठाया, पुलिस ने क्यों उठाया आपको? 21 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC ST का जो हमारा एक्ट था जिसमें हमारे को प्रोटेक्ट किया जाता था, उस एक्ट को बिल्कुल कमज़ोर किया गया है और उसके विरोध में पूरे देश में हमारे संगठन जो है रोड के ऊपर हैं। आज हमारी टीम का एक जत्था ग्वालियर से चला था 25 तारीख को और आज हमने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया था और घेराव करके सुप्रीम कोर्ट को ज्ञापन दिया है कि इस एक्ट को जो आपने कमज़ोर किया है इसको बहाल किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 2 तारीख को भारत भी बंद रहेगा और हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, रोड भी जाम करेंगे, रेल की पटरियाँ भी जाम करेंगे। जब तक संविधान को ख़त्म करने का काम जारी रहेगा हमारा समाज चुप होकर नहीं बैठेगा, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहती हूँ, देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहती हूँ, संसदीय जो प्रणाली है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर कानून बदले नहीं जाते, वहाँ पर कानून लागू किए जाते हैं, कानून रक्षा की जाती है, कानून लागू किए जाते हैं, रक्षा की जाती है। लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं कि मोदी के द्वारा, मोदी अपने कंधे पर नहीं सुप्रीम कोर्ट के कंधे के ऊपर बंदूक रख के हमारे समाज को कमज़ोर कर रहे हैं, संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं। ऐसी साजिश को हम बेनकाब करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी में मिला कर रहेंगे इस देश में। मैडम, अभी अनंत कुमार हेगड़े जी ने बोला था कि हम तो संविधान को चेंज करने आए हैं, लेकिन जो बहुजन समाज का नेतृत्व कर रहे हैं लेकिन उसका कोई विरोध नहीं करा, जो 134 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 545 विधायक हैं जिनमें एक अपने दलित समाज से महामहिम भी हैं। देखिए, मेरी जो अगर बात पूछेंगे, जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं सरकार के अंदर, वो समाज के नहीं हैं, वो समाज के दलाल हैं, चाहे वो किसी भी पद पर बैठे हुए, हम उनको दलाल कहेंगे। अगर संविधान नहीं होता, अगर बाबा साहब नहीं होते तो ये MP बन जाते क्या? मतलब समाज नहीं तो उन्हें जिताया है ना, समाज का वोट उनके लिए गया है ना, तो आप कैसे कहने, आप समाज के हैं? नो, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं हरियाणा प्रदेश से हूँ, हमारे यहाँ 10 लोकसभा है, 90 विधानसभा सीट है, 17 रिजर्व MLA की है और 2 लोकसभा की रिजर्व है। 18वीं सीट पर कोई भी पार्टी दलित को क्यों नहीं जिताती? ये संविधान की मजबूरी है इन लोगों की। अगर आज संविधान ना हो, आरक्षण ना हो, एक भी दलित MP नहीं बन सकता, एक भी दलित MLA नहीं बन सकता, सरपंच नहीं बन सकता, पंच नहीं बन सकता। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ टोटली आरक्षण का जो अधिकार हमें संविधान में दिया गया है, जो बाबा साहब हमें बना के गए हैं, ये पार्टियाँ ऐसे लोगों को अंगूठा टेक और दलाल टाइप के लोगों को टिकट देती हैं ताकि इनकी मनमर्जी चलती रहे, अब वो हम नहीं चलने देंगे। मैडम, अभी जब एक गुना के अंदर कांड हुआ था तो उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे भाई दलितों को मत मारो, मेरे सीने पे गोली मारो, पर आज संविधान के अंदर इस तरीके की बात हो रही है, अभी तक कोई बात नहीं कही है। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या मोदी जी बैकवर्ड क्लास हैं? ये तो कुछ भी कहेंगे, मोदी जी तो कुछ भी कहेंगे, जब अपनी जाति बदल सकते हैं वो, तो इस देश में क्या नहीं कर सकते? ये देश जान चुका है, देश समझ चुका है कि झूठ क्या है, सच क्या है। वोट लेने के लिए, कुर्सी लेने के लिए बैकवर्ड बन जाते हैं और वोट लेने के लिए लोगों को गुमराह करने के लिए कहते हैं कि दलितों के लिए मैं गोली मैं खाऊंगा। अरे मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, आज आपको गोली खाने की जरूरत क्या है? आज आप प्रधानमंत्री देश के, आप क्यों होने दे रहे हैं अपने देश में ये काम? आज पूरा देश क्यों बढ़ रहा है? जहाँ जहाँ BJP की सरकार है वहाँ जाति धर्म के नाम पर दंगे क्यों रहे हैं? कौन जिम्मेवार है? सिर्फ मोदी जिम्मेवार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार, RSS जिम्मेवार है और RSS देश के टुकड़े करना चाहती है हिंदू धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। ऐसा हमारे मूल निवासी, हम बहुजन समाज नहीं होने देंगे। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है और आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप थाने में आ गए। देखिए, बेटियाँ ही इनको सुधारेंगी, ये बेटियों को बचा नहीं रहे, ये बेटियों को ख़त्म कर रहे हैं स्वच्छता के नाम पर, बेटी बचाओ के नाम पर इतना अनाप शनाप पैसा बहा जा रहा है। अगर उसके घोटाले आप देखेंगे तो हजारों करोड़ के घोटाले स्वच्छता और बेटी बचाओ के नाम पर हैं। ये सब RSS के लोग और इनके नेता खा रहे हैं, इनका नारा है सिर्फ दिखावा, बोलते हैं करना कुछ नहीं है, लोगों को गुमराह करते हैं, करेंगे नहीं, जमीन पर जीरो।
बोलने में हीरो, अब हम इनको जमीन पर जीरो करेंगे हर चीज में। जितने इन्होंने वादे किए थे, क्या उन वादे जो इन्होंने किए थे उनमें से कुछ वादे आपको पूरे नजर होते हुए आ रहे हैं? देखिए, इन्होंने जो वादे किए थे इन्होंने सारे वादे पूरे कर दिए, जो आरएसएस के वादे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के वायदे थे कि देश में गृह युद्ध की स्थिति हो, देश में जातिवाद बढ़े, देश में धर्म के नाम पर झगड़े हों, हिंदू धर्म के नाम पर देश बटे और इस देश के टुकड़े टुकड़े करने का जो इन लोगों ने संकल्प लिया था, वायदा किया था, वो पूरा कर चुके हैं। आम जनता के लिए इन लोगों ने कोई वायदा पूरा नहीं किया, कुछ नहीं किया। व्यापारी मर रहा है, किसान मर रहा है, महिलाएँ मर रही हैं, नौजवान मर रहा है, बेरोजगारी बढ़ी है। अब बताइए कौन सा वायदा पूरा किया, मैं पूछना चाहती हूँ। अब आगामी योजना क्या रहेगी आप इस धरने को लेके? और हमारी योजना एक दिन की नहीं, हमारी योजना 2019 लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगी, जब तक भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी में नहीं मिला देगा दलित समाज। ये योजना हमारी लागू रहेगी, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम रोड पर रहेंगे, जेल में जाएंगे और इनकी गोलियों में जितनी ताकत हो चलाएं गोलियां, हम तैयार हैं मरने के लिए। लेकिन एक मैं चैलेंज करती हूं, अगर वो एक को मारेंगे तो हम 10 को मारेंगे। हम मोदी नहीं है कि एक आएगा, हम मोदी नहीं है कि एक सिर आएगा, एक जाएगा तो हम 10 सिर लाएंगे। हम दलित समाज मूल निवासी इस देश के बाशिंदे हैं, एक मरेगा तो 10 को मारेंगे, ये सीख ले। दूसरा कोरे गाँव बनेगा ये देश। ये मैं चैलेंज कर रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों, सुधर जाओ, अब भी समय है, मान जाओ, सुधर जाओ। हम बाबा भीम की संतान हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये एक ईंट फेंकेंगे, हम 10 पत्थर मारेंगे इनको। मतलब अभी आपको इन्होंने ये थाने में बंद किया, तो पुलिस का क्या रवैया रहा आपके साथ में? पुलिस क्या करेगी? पुलिस ने नौकरी करनी है, पुलिस वाले हमारे भाई हैं, वो तो सरकार जो कहेगी वो करेंगे, वो कर्मचारी हैं, उसमें सब लोग हैं, उनका जो दायित्व वो पूरा करेंगे। पुलिस के खिलाफ हमारा कुछ नहीं है, पुलिस की ड्यूटी बनती है कानून व्यवस्था को बरकरार रखना। उन्होंने कानून को बरकरार रखा है, सुप्रीम कोर्ट का घेराव हमने किया, वो हमारे को बिठा के थाने में जाए, हम बैठे गिरफ्तारी दे दी, कोई बात नहीं है, जो करें करें, जेल भेज दे, हम तैयार हैं। मतलब एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि अगर 2019 के अंदर अगर चुनाव होते हैं, आप लोग मन से खड़े होकर चिल्ला देंगे मशीनों में गड़बड़ है, जब आप लोग हार जाते हैं तो चिल्लाते हैं मशीनों में गड़बड़ है। अब 2019 का चुनाव आप बैलेट पेपर से चाहती हैं? मैं व्यक्तिगत राय ले रहा हूँ कि आप बैलेट पेपर से चाहती हैं या मशीन से कराना चाहती हैं? मैं आपको एक बात बता दूँ स्पष्ट तौर पर, चुनाव चाहे बैलेट पेपर से हो चाहे मशीन से हो, निष्पक्ष होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मशीनों में गड़बड़ करने की कोशिश की तो खून खराबा होगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती। मशीनों को ये अब की बार नहीं कर पाएंगे, इनको पता है, एक एक बच्चा हाथ में डंडा लेके खड़ा है इनको जवाब देने के लिए। मशीन से हो चाहे बैलेट से हो, निष्पक्ष होगा और इनको मुँह की खानी पड़ेगी। काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, अब इनको जलना पड़ेगा, ख़त्म होना पड़ेगा। अब इनकी औकात हम इनको दिखाएंगे। इन्होंने झूठ बोल कर जो हमारे साथ विश्वासघात किया देश के साथ कि मैं बैकवर्ड क्लास का हूँ, और इन्होंने बैकवर्डों को और दलितों को इस सबको ख़त्म कर दिया है, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा।